नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI का पार्ट नंबर 7 आपके लिए लेकर आ चुका हूं। यहां पे हम न्यू टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक आप मेरे साथ में बने रहें। स्टार्ट करते हैं। कोई राशि समान दर व समान समय पर, यानी कि दर और समय दोनों ही समान है। यदि दर 5% है तो समय 5 वर्ष होगा, यदि दर 10% है तो समय कितना होगा, 10 वर्ष होगा, यानी कि संख्यात्मक रूप से समान है भाई। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो दर बताइए। तो इस टाइप का जब आपको ऐसे बोल देना कि दर और समय बराबर है, तब मैं पहले आपको ट्रिक बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यह जो 4/9 है इसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है। अब यह जो ऊपर वाली चीज़ है ना, इसमें आप 2 जीरो पुट कर दीजिए, ठीक है। इनका आप क्या निकाल लीजिए, √। अब आप बोलोगे सर आप हमें रटवा रहे हो। जी हाँ, मैं अब तक आपको रटवा रहा हूँ इक्वेशन, बट मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊँगा, पहले ट्रिक सीख लो। तो √ यानी कि वर्गमूल हम लेंगे तो 400 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 20, और 9 का लेंगे तो आएगा 3, यानी कि 20/3। 20 में 3 का भाग दोगे, 6 से 2/3 प्रतिशत दर इसने पूछी थी, इसलिए हमने प्रतिशत, यदि समय पूछता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते, वर्ष लगा देते। तो 6 से 2/3 यहाँ से आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं गाइज बेसिक की तरफ, कि बेसिक से यही आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, ट्रिक हमेशा कभी भी आपकी रॉन्ग नहीं होने वाली है, तो बेसिक को आप समझिए। देखिए ऐसा ही यहाँ पे पढ़ने से पता चला कि साधारण ब्याज मूलधन का वाली चीज़, देखिए साधारण ब्याज का मतलब ऐसा ही, ठीक है, और मूलधन मूलधन लिखा जाता है, का वाली चीज़ नीचे लिखी जाती है, और आगे वाला ये सेम का सेम 4/9, यानी कि साधारण ब्याज आपका 4 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, मूलधन आपका कितना है 9। PRT वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो P यानी कि 9 × R, ठीक है, और × T। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है इसने कि भाई जो आपकी दर व समय समान है, तो दर यदि R है तो समय भी आपका R ही लिखना है, आप इन दोनों को XX लिख लो चाहिए। बट्टे में आप ऑलवेज 100 पुट करोगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले में ये चीज़ होती है। अब 4 × 100 करोगे तो गाइज आपके पास में आएगा 400, और बट्टे कितना होगा 9, और इस साइड R × R² होगा। अब स्क्वायर आप हटाओगे ना, यहाँ से स्क्वायर आप यहाँ से हटाओगे तो इसके ऊपर √ हो जाएगा, फिर आगे वाली यही प्रोसेस होगी और आपका राइट आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइज दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो किस दर से किसी धन का साधारण ब्याज 9/25 हो जाएगा, साधारण ब्याज किसी धन का, ठीक है ना, 9/25। तो बस वही कर दो जो आपको मैंने अभी ट्रिक बताई थी, 9/25 आप लिखोगे, ऊपर वाले में 2 जीरो पुट करोगे, इनका निकालोगे क्या, √। क्यों निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बनता है, इसलिए हम इसका वर्गमूल यानी कि √ निकालते हैं। 900 का निकालते हैं, 30 आता है, 25 का आता है 5, 30 को 5 से डिवाइड करोगे, 6% आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। तो गाइज कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं, कितने आपके समझ में आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो आराम से। समझ में नहीं भी आया हो तो भी आप आराम से लिखो, मैं आपको बार बार बताऊंगा और इतनी बार बताएंगे कि जब तक आपके समझ में आ जाए। तो वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।